गुड मॉर्निंग गाइस, कैसी है मेरी एक्वामैन आयरन फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो टॉपिक, वो है कि कैसे जो लोग भ्रांति फैलाते हैं कि आईएमसी जो है वो 12 महीने में तैयार होती है, 1.5 साल में तैयार होती है, ये सारी भ्रांतियों को मैंने सही तरीके से, सही ढंग से मछली पालन करने पर, एक मछली को मैंने 1 केजी ले जाने में मात्र 6 से 7 महीने लिए हैं। और ये आज मैं आपको बाय प्रूफ दिखाऊंगा भी कि मैंने कैसे 6 महीने के अंदर सही तरीके के सभी सही पैमानों को नापते हुए कैसे मछली को 6 महीने के अंदर 1 केजी बनाया है, वो भी आईएमसी को। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैंने क्या ऐसा किया जिससे कि मेरी मछली 6 महीने में 1 केजी आईएमसी हो गई। ये सब बताने के लिए मैं आया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को नई नई चीज़ें बताता रहूं, इस मछली पालन को ऐसा करवा दूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से कम समय में अच्छा सर्वाइव कर पाएं इस फील्ड में। तो ठीक है गाइज, मैं आगे चलता हूं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आईएमसी को हम लोग 6 से 7 महीने में कैसे 1 केजी ले जा सकते हैं लगभग। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी हैबिट में डालनी होंगी, जो थोड़ा सा क्या है कि आपको हर हालत में करनी है, एक हैबिट में लाना है। उसके लिए थोड़ा सा आपको 5 से 7 हज़ार रुपये मछली पालन स्टार्ट होने से पहले ही खर्च करने होंगे। उन चीज़ों को आप यूज़ करें समय समय पर, तो आप 6 महीने के अंदर 1 केजी की आईएमसी बना लेंगे और उसे आप जल्दी से जल्दी बेचकर जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अब मैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर वन है, आप लोगों को समय समय पर हफ्ते में कम से कम एक बार अपना वाटर टेस्टिंग किट ला करके वाटर को टेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि वाटर के पैरामीटर आप समझ पाएंगे। तो वाटर के पैरामीटर अगर सही है, वाटर में सारी चीज़ों की जो मात्रा है, चाहे अमोनिया हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे नाइट्राइट हो, एच आपका हाई रेंज पीएच हो, नॉर्मल पीएच हो, ये सभी सही है, तो मतलब मछली की तबीयत भी सही रहेगी। तो इसलिए हर हफ्ते आपको अपने तालाब का पानी ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ है, अगर आपके तालाब में अमोनिया बढ़ रहा है या नहीं भी बढ़ रहा है, तो हर महीने के 15 दिन के अंदर आप अपने तालाब में 1 से 1.5 केजी जियोलाइट या जियोग्रीन दोनों चीज़ डालते रहें। जियोलाइट क्या है कि जियोलाइट आपके तालाब की सारी अमोनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, और सारी जब आपकी अमोनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो आपकी नाइट्रेट नहीं बनने देगी, क्योंकि अमोनिया ही डीकम्पोज होकर के नाइट्रेट बनती है। तो जब नाइट्रेट नहीं बनेगी तो आप एक चीज़ से दो चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। तीसरी हैबिट आपको अपने तालाब में डालनी है, वो तीसरी हैबिट है रेगुलर आपको अपने तालाब में नमक और चूने का छिड़काव करने के। नमक और चूने का छिड़काव क्या कि नमक का छिड़काव आप समय समय पर करते रहेंगे तो आपके तालाब में जो पीएच ऊपर या नीचे होगा वो आपका मेंटेन बना रहेगा। इसी के साथ साथ चूने का छिड़काव आपको हर 15 दिन या 1 महीने के अंदर करने से क्या है कि आपके तालाब के जितने भी एंट्री बैक्टीरिया हैं जो आपकी मछलियों को फंगल इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं, वो सभी आप लोगों को इस तालाब के अंदर डिहाइड्रेट पहले ही हो जाएंगे और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो आपके मछली को खाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको मछली खाती है और अच्छा ग्रोथ प्राप्त करती है, उनको भी ग्रोथेबल बनाने में चूना बहुत फ़ायदेमंद होता है नेचुरल फूड को। ये हुआ आपका। और अगली चीज़ है आपकी पोटेशियम पर मैग्नेसाइड, जिसे कहते हैं हम लोग लाल दवाई। लाल दवाई का समय समय पर छिड़काव इसलिए करते रहना चाहिए ताकि आपके तालाब में जो भी मछलियाँ पड़ी हैं उनको अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या मानसिक अवसाद हो रहा है, तो कोई भी स्किन से जुड़ी आपके या तो डॉप्सी रोग हो रहा है जिसमें आपको स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक है, तो इन सभी रोगों के होने की कंडीशन पर क्या है कि आप लोग जो लाल दवाई का प्रयोग करते हो, तो अगर आप उसको हैबिट में डाल लेते हो तो समय समय पर लाल दवाई अगर डाल रहे हो तो आपका पानी इतना बेहतरीन हो जाएगा कि पूछिए मत। उससे क्या है कि आपकी मछली को कोई भी प्रकार के रोग होंगे ही नहीं। इलाज होने से पहले ही आप सतर्कता रखेंगे तो आपकी मछली अच्छा ग्रोथ करेगी, वो फिट रहेगी, फिट रहेगी तो वो अच्छा ग्रोथ करेगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को अपने तालाब के अंदर समय समय पर VK80 डालते रहना चाहिए। VK80 क्या है कि आपका एंटिल बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। उसे भी डालने से क्या है आपकी मछली को फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, मानसिक अवसाद नहीं होगा, तो वो स्वस्थ रहेगी। और जब आपने सुना होगा स्वस्थ शरीर ही आप लोगों के स्वस्थ
कार्यों की, स्वस्थ प्रगति की, स्वस्थ ग्रोथ की वैल्यू रखता है। तो जब उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छी ग्रोथ करेंगी। तो ये कुछ बातें थी जिन चीज़ों को मैंने समय समय पर अपना अपना करके अपने तालाब में मछली के साइज को 6 महीने से 6.5 महीने के अंदर 1 kg कर लिया IMC। जबकि लोग ये कहते हैं 1 kg IMC करने में कम से कम 10 महीने से 12 महीने लगते हैं, बट मैंने ये भ्रांति ख़त्म करके दिखाई है। लेकिन ये होगी तभी जब आप टाइम पर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो बताई हैं इनका ऑडिट करते रहें और अपनी मछली को देसी खाना 20% और 80% कॉमर्शियल फीड दें। कॉमर्शियल फीड आपकी मछली की वो हर आवश्यकताओं को पूरा करता है जो उन्हें ज़रूरत है अपनी ग्रोथ को पूरा करने के लिए। क्योंकि कोई कंपनी कोई चीज़ बना रही है तो वो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत ही कुछ मायने करके बना रही होगी। तो इसलिए अगर आप जल्दी से जल्दी अपनी मछली को ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 6 से 7 महीने के अंदर IMC को। जबकि इस समय में मेरा ठंड का समय भी इंक्लूड है, अगर गर्मी का मौसम होता तो मैं पहुंच जाता 1 kg+, बट ये ठंड के मौसम की वजह से 2 महीने में थोड़ा मछलियों ने कम ग्रोथ किया है, तो भी मेरा वेट अभी 800 से लेकर के 1200 ग्राम के बीच में है। तो ये है एक्चुअल एक्यूरेट आपकी ग्रोथ अगर आप सही मायने में सही तरीके से मछली पालन करते हैं। अब मैं आप लोगों को अपनी नीचे जो वीडियो आप देखेंगे चलाऊंगा, उस वीडियो में आप देख भी पाएंगे कि कैसे मेरी मछली 1 kg+ हो चुकी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है प्लीज़ इन बातों को अपना अनुसरण करें और मछली पालन को जल्दी से जल्दी सर्वाइव करवा पाएँ और अपने को इस फील्ड में सर्वाइव करा के प्रॉफिटेबल बना सकें। तो आप सभी लोगों से निवेदन है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें।